हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है, इट इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। टाइप ऑफ डिफ्यूजन है ना, ये जो है इट इज ए डिफ्यूजन का टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन। ओके ठीक है। तो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि देर इज ए मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी साइट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द साइट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लीजिए ये कंटेनर है, कंटेनर में अगर बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अगर लगी हुई है ना, और इस तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक, और इस तरफ कुछ मॉलिक्यूल है। अब इस तरफ में साइड ए ले लीजिए इसको, उसको साइड बी ले लीजिए। अब मान लीजिए इस साइड में इन सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, सोल्यूट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोल्यूट बोल रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूजन इज ऑल अबाउट, सिंपल डिफ्यूजन ऑल अबाउट द सोल्यूट और सॉलिड पार्टिकल। तो ये इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है, इस तरफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां से इस तरफ मोमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, है ना। जब अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है अभी, और उसके कंपेयर में इस साइड में कम मॉलिक्यूल्स है, तो इस साइड से इस साइड मोमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, नेट डिफ्यूजन। और नेट डिफ्यूजन चलता रहेगा, और उसके बाद फिर जब कुछ देर बाद क्या होगा कि दोनों साइड में जो है मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है, ये कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस साइड भी और इस साइड भी दोनों तरफ मॉलिक्यूल का इक्वल कंसंट्रेशन हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि स्टेट कौन सी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली। ठीक है, तो हम इससे दो बातें समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में डिफ्यूजन क्या है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द साइट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द साइट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और ये कब तक चलेगी, जब तक इक्विलिब्रियम दोनों साइड में अटेन न हो जाए। और ये जो है सिंपल डिफ्यूजन जो है, इट इज अप्लाइड फॉर द सोल्यूट पार्टिकल, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, मतलब इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, थैंक यू।